स्वामी ब्रह्मानंद भारतवर्ष में गौरक्षा के लिए आवाज उठाने, गायों की महत्ता को जनमानस को बताने और इसके लिए स्वयं भी गौ सेवा में लिप्त रहकर देश में हुए अब तक के सबसे बड़े गौरक्षा आंदोलन के प्रणेता और अगुवा रहे हैं। स्वामी जी ने अशिक्षा की बंजर भूमि में न सिर्फ साक्षरता बल्कि उच्च शिक्षा के अनेक सुंदर सुंदर फूल खिलाए हैं। इन फूलों की महक से आज भी हमारे समाज की पीढ़ियां दर पीढ़ियां निरंतर सुगंधित हो रही हैं। इसीलिए ऐसे कर्मयोगी महामानव स्वामी ब्रह्मानंद के 125वें जयंती वर्ष 2019 से उनके नाम पर गौ सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार की शुरुआत की गई है। लेखक पत्रकार अमित राजपूत के प्रस्ताव पर गौ सेवा के क्षेत्र में अप्रतिम, अद्वितीय और अनुकरणीय कार्यों के लिए पहला स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार सुश्री फ्रेडरिक इरीना ब्रूनिंग उर्फ सुदेवी दासी को प्रदान किया गया। अपने जीवन के 60 बसंत पार कर चुकी फ्रेडरिक मूल रूप से जर्मनी के शहर बर्लिन की रहने वाली हैं। वो बीते 42 सालों से भारत में हैं और पिछले 25 सालों से बूढ़ी, असहाय, घायल, नेत्रहीन, रोगी और किन्हीं दूसरे कारणों से पीड़ित गायों की निरंतर सेवा कर रही हैं। फ्रेडरिक के ऐसे विशिष्ट और प्रेरणादायी कार्यों के मान के लिए स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार समिति ने स्वयं वृंदावन के राधा कुंड में बने उनके सुरभि गौसेवा निकेतन पहुंचकर सुदेवी दासी को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हम उनके काम की प्रशंसा करते हुए सुश्री फ्रेडरिक इरीना ब्रूनिंग के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मैं बड़ा खुश हूँ ऐसा पुरुष का मिल गया मेरे को। स्वामी जी जो बहुत बड़ा महात्म्य थे, मैं इनके बीच जा सकता, इनको गाइडेंस लेके तो मेरा भी सुधार हो जाएगा और काम तो चल रही है, सेवा तो चल रही है। मैं इनको सबको धन्यवाद देना चाह रही हूँ।